मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित कैलाशनाथ कार्डियो अस्पताल के नए भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि भले ही कोरोना संक्रमण कम हो गया हो, लेकिन हम सबको अब भी सतर्क रहना होगा। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। कैलाशनाथ कार्डियो अस्पताल के नए भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में लोकसभा सदस्य प्रज्ञा सिंह ठाकुर और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। इस लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर से हमें सतर्क रहना होगा। कार्डियो अस्पताल के नए भवन का उपयोग कोरोना मरीजों के इलाज के लिए किया जाएगा। 200 बिस्तर के इस अस्पताल भवन में 50 बिस्तर का आईसीयू और बाकी बेड हाई डिपेंडेंसी यूनिट में होंगे। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने बताया कि इस अस्पताल का संचालन केयर इंडिया नामक एनजीओ करेगा। एनजीओ की तरफ से अस्पताल को निःशुल्क स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 33 डॉक्टर और अन्य स्टाफ शामिल हैं। आईसीयू के लिए 35 वेंटिलेटर हैं। 1000 लीटर क्षमता वाला तरल ऑक्सीजन टैंक लगाया गया है। इसके अलावा 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता का प्लांट वातावरण की हवा से मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए लगाया गया है। 5 मंजिला इस अस्पताल भवन को बाद में शिशु और मातृ अस्पताल बनाया जाएगा। अब अज्ञान को समाप्त करने की कोई वैक्सीन का डोज तो होता नहीं है। और रोज देश में देख रहे हैं कितनी वैक्सीन लग रही है। इसके बाद मुझे लगता है कि ऐसी बात अगर करते हैं तो अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।